चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में कारकुनान के साथ अफ्तारी करने के लिए जमान पार्क में पहुंच गया। माशाल्लाह कारकुनान का ये जज्बा जुनून बेजरा सामने, ख्वातीन का बड़ा तदाद इधर मौजूद है इस वक्त, कारकुनान का बड़ा तदाद इस वक्त मौजूद है। ये मनाजर आपको दिखा रहा है आई के टूडे यूट्यूब चैनल बराह रास्त जमान पार्क से। नाजरीन नाजरीन ये अभी खान साहब बस दो कैमरे होने चाहिए, दो तीन कैमरे हो ताकि लोगों को एक ही कैमरे से कहां आता है। शुक्रिया, हेलो, शुक्रिया। आराम से बैठ जाएं अपनी जगहों पे प्लीज। बैठ जाएं आराम से प्लीज। आराम से अच्छा अब थोड़ी खामोशी। अच्छा मैं पहले पूछना चाहता हूं कि आप किन किन जिलों से आए हुए हैं। तो पहला कौन कौन से जिले हैं, कौन से जिले हैं? एक मिनट एक मिनट। अच्छा सबसे पहले जो मैं कहूंगा सिर्फ आपने हाथ खड़े करने हैं। स्वाबी, अच्छा नौशहरा, नौशहरा उधर, मर्दान, मर्दान इधर, पेशावर, साहिवाल, साहिवाल उधर से, साहिवाल, गिलगित बल्तिस्तान से भी आए। ये अच्छा, ये सर पाकपटन, चकवाल, चकवाल, अच्छा चकवाल, रावलपिंडी से तीन ही हो सिर्फ। अच्छा सर आराम से एक मिनट, आराम से बैठ जाए। अब मैं किसका नाम नहीं लिया, एक मिनट खामोशी। एक लकी मरवत, लकी मरवत से कितने हो? अच्छा गुजरात से हो? तीन, दो, अच्छा अच्छा पांच, गुजरात से, बावलपुर, अच्छा बावलपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, मुजफ्फरगढ़ से कितने हो? ये मुजफ्फरगढ़, वो पीछे, अच्छा ओके, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खामोशी पांच मिनट। किधर? खुशाब, अच्छा खुशाब से, माशाल्लाह सारे पाकिस्तान से आए हो। इस्लामाबाद, अच्छा वजीराबाद, 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 बैठ जाओ मेहरबान, गुजर खान, एक मिनट, पीछे कौन है? मुझे नेक्स्ट टाइम ना लिस्ट बता देना किधर किधर से आए हो, ओके? अब तो सुने सुन, ये क्या है, क्या है, क्या बाद में, बाद में। अच्छा आपसे, अब आपने मेरे 10 मिनट आपने मेरी बात सुनी और खामोशी से, खामोशी,
10 मिनट रोजे को कितना टाइम है? 15 मिनट में रोजा खुल रहा है, 10 मिनट मेरी बात सुननी है और 5 मिनट फिर रोजे से पहले हमने अल्लाह से दुआ करनी है। अच्छा आप आराम से सुने, खामोशी खामोशी। अच्छा अब सुनना आपने, बाद में इस वक्त आप उस तहरीक का हिस्सा हो, खामोशी, आप उस तहरीक का हिस्सा हो जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी की जद्दोजहद लड़ रहा है। आजादी 1947 में मिली थी अंग्रेज से, अब जो हमने आजादी लेनी है, ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप इस मुल्क को गुलाम बना के ऊपर बैठ गए हैं, ये अब दूसरी हकीकी आजादी की अब जद्दोजहद में आप सब शामिल है। अब हकीकी हकीकी आजादी है क्या? मैं सुनो सुन, देखिए आपने यहां से जब जाएंगे आपको पैम्फलेट्स मिलेंगी, मिल गई हैं। आपने ये पैगाम जिस तरह आप तबलीग करते हैं, आपने ये पब्लिक के पास लेके जानी है अपने इलाकों के अंदर। मकसद क्या है? देखिए जब तक एक गुलाम को एहसास नहीं होता उसकी गुलामी का, वो मुतमईन होकर गुलामी करता रहता है। इलामा इकबाल ने गुलाम हिंदुस्तान के अंदर जिधर मुसलमान गुलाम बन चुके थे, उन्होंने अपने शायरी के जरिए लोगों को जगाना शुरू किया और उन्होंने बताया लोगों को कि परवाज सिर्फ आजाद इंसानों की होती है। उन्होंने शाहीन, जो इकबाल का शाहीन था वो क्या था? वो आजाद था, क्योंकि वो आजाद था वो बाकी परिंदों से ऊपर चला जाता था। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूकात। लेकिन कुरान में ही अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे गिर जाता है। मौलाना रूमी ने इसी को और तरह कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रींग रहे हो? क्योंकि गुलाम की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज है। तो इसलिए जब एक मुसलमान अपनी आजादी के लिए लड़ता है तो उसको जहाद कहा जाता है। अगर वो आजादी की जद्दोजहद में अपनी जान खो जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है। तो आपने पहले अपना समझना है कि ये सियासत आप करने नहीं आए, आप अपनी कौम को हकीकी तौर पे आजाद करने आए। इसलिए अब आपने समझना है आजादी है क्या। आजादी आती है इंसाफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया था। अगर आपको इंसाफ मिलता है तो जो आप पंजाब में खास तौर पे, लेकिन सारे पाकिस्तान में भी, ये थाना कचहरी पटवारी क्या चीज है? ये एक लोगों को गुलाम बनने की एक तरीका है। यूरोप में क्यों नहीं थाना कचहरी पटवारी का इशू? क्योंकि वह इंसाफ है। यूरोप में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? अमेरिका में क्यों नहीं? क्योंकि कब्जा ग्रुप कमजोर की जमीन पे कब्जा करता है। जब इंसाफ होता है तो इंसाफ जब माशरे में होता है, कमजोर को ताकतवर से कानून हिफाजत करता है उसकी। इसलिए वहां कोई किसी बेवा की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां इंसाफ है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले इंसाफ कायम किया था, लोगों को आजाद किया था, महरूम तक तबके को खड़ा कर दिया था। जब एक हजरत उमर के दौर में एक शहजादा जब तवाफ कर रहा था, एक गुलाम का पैर आ गया उसकी उसके चोगे पे, उसने उसको थप्पड़ मारा, वो हजरत उमर के पास चला गया। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया, उससे पूछा
कि तुमने इसको थप्पड़ मारा था, उसने कहा पैर इसका मेरे चोगे पे आ गया। गुलाम को कहते हैं वापस इसको मारो। वो शहजादा इस्लाम छोड़ के चला गया। लेकिन इंसाफ वो होता है जो कमजोर, कोई ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, बराबर कर देता है, इंसानों को मौका दे देता है ऊपर आने का। यहां से आप यूरोप क्यों जाते हैं? क्यों लोग वीजे लेके चीजें बेच के, कई बेचारे किश्तियों में बैठ के डूब जाते हैं रास्ते में यूरोप पहुंचने के लिए, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां इंसाफ है। जब इंसाफ मिलता है लोगों को तो जो मेहनत करता है वो ऊपर आ जाता है, वो माशरा ऊपर चला जाता है। जब इंसाफ नहीं होता तो सिर्फ ताकतवर ऊपर बैठा रहता है, कमजोर सारा दिन मेहनत करता रहता, वो ऊपर नहीं आ सकता। ये जो हमें अल्लाह हुक्म करता है, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी के मिसाल से सीखो हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था मदीना में। वो जिनकी हैसियत नहीं थी उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो आज भी पाकिस्तानियों ने, अगर हमने उठना है, ये जो हम भिखारियों की तरह पैसे मांगते हैं, कर्जे लेते हैं, जलील होते हैं, हमारे लोग बाहर बेचारे नौकरियां करने जाते हैं क्योंकि ये नौकरियां नहीं है, वो इसलिए कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। तो ये जो जंग है, ये आज़ादी की जंग असल में इंसाफ की जंग है। इंसाफ आज़ाद करता है। किसी भी जिस माशरे में इंसाफ हो, बड़े बड़े डाकुओं को NRO नहीं मिल सकता, कहीं यूरोप में नहीं मिलता, अमेरिका में कहीं नहीं मिलता जिधर इंसाफ होता है। सिर्फ उन माशरों में जिधर जुल्म का निज़ाम होता है, ताकतवर चोरी करे तो वो NRO ले ले और बेचारे छोटे चोर जेलों में रहते हैं। इसके इन माशरों के मुतल्लिक हमारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। और दूसरी, एक मिनट ठहरो ठहरो, और दूसरी चीज इंसान आज़ाद कैसे होता है? अंदरूनी तौर पे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदर हमारे बुत हैं, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है, क्योंकि वह आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। तो जो खुदा हम समझते हैं कि पत्थर की मूर्तियों को, वो उन्हीं वही बुत होते हैं, ये बुत नहीं। कोई चीज़ जो अल्लाह के सिवा इसके सामने आप झुकते हैं वो बुत है। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है, जुल्म के खौफ से, यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। पता था वो राय हक पे है। जो जुल्म है वो गुलाम बना देता है इंसानों को, और खौफ का बुत जब इसके सामने झुकते हैं गुलाम बन जाते हैं लोग। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो बुत तोड़ देता है कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। इंसान अपनी आजादी का दावा करता है। और ये जब अल्लाह कहता है जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, सबसे ज्यादा तो मौत का खौफ है, तो जब अल्लाह कहता है मेरे हाथ में है, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता वक्त, तो असल में वो आपको आजाद कर रहा है उस खौफ से जो सबसे बड़ा खौफ है। पर दूसरा खौफ क्या है? जिल्लत का, कि जी मुझे वो जलील कर देंगे, मेरा ये कर देंगे, मुझे ये, जिस तरह ये सारे बैठ के हर रोज मेरी तारीफें करते हैं TV पे, सुना करो इनको। नहीं, एक मिनट, सुनो, अगर सिर्फ ताकतवर पैसा खर्च करके इज्जत कमा लेता तो अभी नवाज शरीफ सबसे ज्यादा इज्जत वाला आदमी होता या जरदारी होता। सड़कों में नहीं निकल सकते, वो लंदन में महंगे तरीन इलाके में बैठा, हर रोज उसको गालियां पड़ रही होती हैं, क्योंकि इज्जत नहीं है। इज्जत ऊपर वाला रखता है, जितना मर्जी पैसा आपके पास हो, और ना ही आपको कोई जलील कर सकता है। ये याद रखें कि जो मुझे खौफ होता है ना जी, उसने मुझे जलील कर दिया, कोई आपको जलील नहीं कर सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर। और वो आप अपनी अमाल की वजह से अपने आप को जलील करते हैं, अमाल की वजह से इज्जत मिलती है, तो फिर इससे भी आजाद हो जाता है कि जी मुझे कोई जलील ना कर दे। ये भी बड़ा खौफ होता है। मैं जब खिलाड़ी था, क्रिकेट खेलता था, तो कई खिलाड़ियों को हारने का खौफ होता था कि मैं हार ना जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा हारने का खौफ था, उनको जीतना ही नहीं आता था।
जो इंसान हारने का खौफ रखता वो जीत नहीं सकता, जो बड़ा बिजनेसमैन वो बड़ा बन ही नहीं सकता उसको अगर नुकसान का खौफ हो कि जी मेरा नुकसान ना हो जाए, वो कोई रिस्क ही नहीं लेगा। जो फौजी मौत का खौफ होगा उसको कोई तमाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लड़ेगा कैसे अगर उसको मौत का खौफ है। सो ये जो खौफ है मरने का, मेरी ये जलील ना हो जाऊं, और फिर तीसरा कि मेरी रिस्क ना चली जाए। अब ये कई जगह यार पुलिस और रेंजर्स ने पता था औरतें हैं, पता था कि हमारे लोग हैं, फैमिलीज आई हुई, उनके ऊपर उन्होंने टेयर गैसिंग कर ली। उनका जमीर बताता होगा उनको, अगर उनका जमीर जिंदा हो, कि ये आप गलत कर रहे हैं, ना आपको कानून इजाजत देता है। कौन सा कानून इजाजत देता है? आप देख रहे हैं कि वो लोग पुरमन बैठे हुए हैं, वहां फैमिलीज हैं, कौन इजाजत देता है आप उनके ऊपर टेयर गैसिंग करें और उनको मारे और उनको तकलीफ पहुंचाए? लेकिन वो अपनी नौकरी ना जाने के खौफ की वजह से ये जुल्म करने के लिए तैयार हो जाते। इसकी माफी नहीं है। अगर मुझे कोई कहे, अब जिन्होंने जिले शाह का कत्ल किया है, क्या वो कहेंगे जी मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला तो वो माफ हो जाएंगे? माफ नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि रिस्क तो मेरे हाथ में है, तुमने जितना जिंदगी में कमाओगे वो तो अल्लाह ने फैसला करना है। आजाद कर देता है ये नौकरी की गुलामी से, कि नौकरी बचाने की वजह से जो जो लोग अपना जमीर बेचते हैं, इसकी माफी नहीं है। कि मैं कहूं जी, एक बड़ा जर्मन के एक बड़ी ट्रायल हुई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, जिसको न्यूरनबर्ग ट्रायल कहते थे। वहां बड़े ऑफिसर ने कहा जी हमें तो ऊपर से हुक्म मिला था, इसलिए हमने ये जुल्म किया, हमने ये लोगों को मार दिया। उनकी माफी नहीं हुई। उन्होंने कहा तुम्हारा जमीर तुम्हें बता रहा था कि तुम गलत काम कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, तो मेरी इजाजत नहीं है इसकी। अगर आपको ऑर्डर भी मिलता तो उसको आपको फॉलो नहीं करना। तो मेरा आपको आखिर में अंदरूनी तौर पे हमारा दीन, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमें आजाद करता है, और दूसरी जो हमारा इंसाफ का निजाम है वो हमें माशरे को आजाद कर देता है। तो हमारी जद्दोजहद तो है इस वक्त इंसाफ के लिए, और हमें अपने मुल्क को ये जो ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं और हमारे ऊपर ये सारा हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है कि हम इनको तस्लीम कर लें, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैंने एक मिनट सुन, मैंने अपने अब मैं हर जिले से आपके जिले से मैं आपके लोगों को चुनूंगा, उनको मैंने अपना एक नंबर देने लगा हूं जो सिर्फ मेरे वर्कर्स के लिए होगा। वो जो भी कोई फजूल आपने मुझे बात नहीं करनी, जो भी आपके जिले में मसले मसाइल है, वर्कर्स आपके जब जिले में फिरेंगे आपने वो मुझे इस फोन कॉल के ऊपर मुझे करेंगे नंबर। इसके बाद अच्छा सो मकसद इसका क्या सुने सुने आप सबके लिए, मैं कारकुनों के लिए अब ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आपने। मैंने आपको इस ये नंबर दूंगा, इस नंबर के ऊपर हर जिले पे मैं कारकुनों को दूंगा वो, ताकि मुझे वहां उस जिले की चीजें बता सके, क्या मसले मसाइल हैं, क्या हैं, टिकट किसको मिलना चाहिए, किसी को बताना ना, चुप करके अपनी तरफ से बताना किसको मिलना चाहिए। और सुने सुने टाइम रोजा खुलने लगा है, सुने कितना तीन मिनट रह गए, अभी दुआ भी करनी है आपने। अच्छा, रोजे से पहले, रोजा खोलने से पहले आपने सबने दुआ करनी है, अल्लाह से मांगना है अपने आप को आजाद करने के लिए, इस मुल्क को एक वो मुल्क बनाना जिधर बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए, वो मुल्क बनाना है हमने इंशाल्लाह। और जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी की इज्जत हो, आम आदमी कानून के सामने ताकतवरों के सामने भी खड़ा हो तो उसको इंसाफ मिले। जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी से, खलीफा होते हुए यहूदी से केस हार जाते हैं, वो था मुसलमानों का इंसाफ जिसकी वजह से वो दुनिया की इमामत की। तो इंशाल्लाह आपने अभी दुआ करनी है, दो मिनट रह गए, नंबर मैं दूंगा इसके बाद,
मैं यहाँ से अली को और उसकी मुदस्सर की ड्यूटी लगाऊंगा कि आपके चुन चुन के हर लोगों को नंबर दे ताकि मुझे आपकी फीडबैक मिले। आपने पैम्फलेट्स अपने इलाके में जाके तबलीग की तरह लोगों के अंदर बांटनी और उनको लोगों को समझाना है। ये वाली पैम्फलेट्स है, आपने सबको देना है। बैठ के आप दुआ कर ले। तुमने